नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GR सोशल सर्विसेज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं TDS के बारे में। TDS क्या होता है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। TDS का पानी के संबंध में क्या फुल फॉर्म होता है? TDS का फुल फॉर्म होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। पानी के जो पीने का पानी होता है उसमें TDS यह बताता है कि उसमें जो टोटल सॉलिड्स हैं वो कितने हैं, कितनी मात्रा में मिले हुए हैं। इसमें मिनरल्स, साल्ट, मेटल्स, पोटेशियम, सोडियम कार्बोनेट, क्लोराइड जैसे रूप में ये सॉलिड्स मिले होते हैं। अगर ये किसी पानी में TDS ज़्यादा होता है तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। ज़्यादा TDS का पानी पीना हमें नुकसानदेह होता है। TDS चेक हम कैसे करेंगे? इसके लिए TDS चेक करने के लिए एक TDS मीटर आता है, वो हम आपको चेक करके दिखाते हैं। यह है RO का पानी। यह है साधारण पानी। अब हम आपको बताएंगे RO के पानी और साधारण पानी में TDS में कितना अंतर हो सकता है। यह है TDS मीटर। यह आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है और आप इसके द्वारा ही अपने पानी का TDS चेक कर सकते हैं। अब हम आपको TDS चेक करके दिखाते हैं। यहाँ से इसे ऑन कर लेंगे। अब ये हमारा साधारण पानी है, इसका TDS चेक करते हैं। ये 395 है जो हमारे साधारण पानी का TDS है। अब हम RO के पानी का चेक करते हैं। ये 204, ये होल्ड करते हैं। ये 204 है, 204 है RO के पानी का और साधारण पानी का। दोबारा चेक करके दिखाते हैं आपको। ये 395 है। इसी तरह आप अपने पानी का TDS चेक कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ये TDS बहुत अधिक मात्रा में होता है, जैसे 600, 700, 1000 से भी ऊपर 1200 इतना तक TDS होता है। लेकिन इतना ज़्यादा TDS बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आपको हम बताते हैं सही TDS का पानी कितना होता है। सही TDS का पानी 100 से लेकर 200 तक होता है। 100 से 150 या 200 तक ही हमारा TDS का पानी होना चाहिए। इससे ज़्यादा TDS पानी में नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो भी नुकसानदेह होता है, और अगर 100 से कम होगा वो भी नुकसानदेह होगा। इसलिए हमें हमेशा अपने पानी का TDS चेक करते रहना चाहिए और अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में ही इतना ही था। आगे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।